भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बल्लारी में राहुल गांधी से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बहुत ही अच्छे माहौल में ये मुलाकात हुई है। बल्लारी में कांग्रेस के अन्य नेताओं और राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस समर्थकों और आम जनता को संबोधित किया। आप गहलोत के हाव भाव से ही उनकी मुलाकात की खुशी समझ जाएंगे। चलिए अब देखिए क्या कुछ कहा है सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में। राहुल गांधी जी इतिहास बनाने जा रहे हैं देश के अंदर। आज़ादी के बाद में इस प्रकार की यात्रा पहली बार देश को देखने को मिल रही है। यात्राएं कई हुई है विभिन्न मकसदों से। ये यात्रा एक चुनौतियों का सामना करने के लिए है। चुनौती हैं फासिस्ट ताकतों की, सांप्रदायिक ताकतों की, जिन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए जो कदम उठाए हुए हैं उनकी हम निंदा करते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, महंगाई बेरोजगारी की मार आम आदमी पर पड़ी हुई है। इस माहौल के अंदर राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो देश के कोने कोने पहुंच रहा है। ये भावना राहुल गांधी जी जो प्रकट कर रहे हैं रास्ते के अंदर, उसका चिंतन हो रहा, मनन हो रहा कि वास्तव में देश की दिशा में जा रहा है। किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा, वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और लोग समझ गए हैं इन चालों को, जिन चालों के माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है। ना लोकपाल आ पाया, ना काला धन आ पाया। जिस रूप में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, पहली बार आज़ादी के बाद में अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। पार्लियामेंट में कानून बनाए गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम कानून बनाए गए हैं। कानून बना के अधिकार पब्लिक को देने का काम शुरू किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, चौमुखी विकास किया, लोक कल्याणकारी योजना लेके आए, सोशल सिक्योरिटी के ताना बाना बुना। पर जिस प्रकार बदनाम करके ये लोग सत्ता में आए हैं, ध्रुवीकरण करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है, पर देश का नवनिर्माण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सोच चाहिए। जो आज़ादी मिलते ही किस प्रकार से उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया देश के अंदर, बड़े बड़े बांध बनाए किसानों के लिए, बिजली उत्पादन करी, कारखाने लगाए, संस्थाएँ बनाई, IIT, IIM, IIIT अब बनी है जाकर के। पर जिस प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी संस्थाओं की, आज उस पर देश खड़ा है, आत्मनिर्भर बना है। जिस प्रकार से ये लोग जो ताना बाना बुन रहे हैं, आज पूरे मुल्क में माहौल बना हुआ है तनाव का, हिंसा का, सांप्रदायिकता का, वो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी का संदेश है, आपस में भाईचारा हो, सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी धर्मों के अंदर प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना का माहौल बने, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, ये माहौल बनाने की आज आवश्यकता है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और कारवा चल पड़ा है। आप सोचिएगा, 1000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है, जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है। पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में, देशवासियों के साथ में, तब तक ये संभव नहीं होता है। राहुल गांधी का कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों के साथ में है, किसानों के साथ में है, मजदूरों के साथ में है, इसलिए जाकर के संभव हुआ है। इतनी लंबी संघर्षमय यात्रा, बहुत टफ यात्रा है ये, जो साधु संत दौरा करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो भी विश्राम लेते रास्ते के अंदर। पर जिस प्रकार की यात्रा शुरू की गई है, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, मैं समझता हूँ आज तक ऐसी यात्रा कोई हुई नहीं होगी। इस प्रकार के माहौल में राहुल गांधी जी चिंता कर रहे हैं देश की, देश बचाने की, देश को एक व अखंड रखने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। आज राहुल गांधी चाहते हैं कि देश एक रहे, अखंड रहे, आपने भाईचारा बने,
इसलिए बहुत बड़ा संदेश लेके यात्रा शुरू हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, इतिहास बनाए आप कर्नाटक वालों ने भी। चिकमंगलूर में इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी, हम भी आए थे यहाँ पर बचपन में कार्यकर्ता के रूप में। बेलारी में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, वो भी इतिहास बना था। तो कर्नाटक ने हमेशा करवट ली है राजनीति के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा भी शुभ होगी। आने वाले वक्त में कर्नाटक में सरकार बनेगी कांग्रेस की। राहुल गांधी को संदेश को आप घर घर पहुँचाएंगे और बदलाव पूरे मुल्क में होगा। उनकी शुरुआत भी, चाहे वो चेन्नई हो, केरला हो, कर्नाटक हो, अन्य राज्य भी आएंगे रास्ते के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि राहुल जी के संदेश को आम लोग, हर वर्ग के लोग आत्मसात कर रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।